नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं डीजे लाइट ट्रिक्स। दोस्तों आज का वीडियो में आप लोग को 12 पार लाइट की सेटिंग बताने वाला हूं डीएमएक्स 512 के साथ। दोस्तों यहां पर डीएमएक्स 512 वही पुराने वाला रहने वाला है, लेकिन यहां पे पार लाइट इस बार चेंज है। पार लाइट यहाँ पे चपटी वाली पार लाइट रहने वाली है जो कि 60 LED वाली होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, इसमें आप लोग को वायरिंग से लेकर कोडिंग तक का पूरा डिटेल बताया जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा डीजे साउंड वाले दोस्तों के साथ, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर 12 पार लाइट लगा हुआ है और सभी पार लाइट पे नंबरिंग किया हुआ है। देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, बाकी 7, 8, 9, 10, 11, 12, बाकी यहाँ पर 12 XLR केबल रखा हुआ है जो कि हाइगेन XLR केबल है मेल फीमेल में, और यहाँ पे अपना DMX 512 है। दोस्तों इसी DMX पे आज सेटिंग होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर सारे पार लाइट में लाइन वाला वायरिंग हो चुका है, ये देखिए सभी पार लाइट में लाइन दिया गया है। और अब यहाँ पे हाइगेन XLR केबल जो होती है उससे इनपुट आउटपुट करके सारे पार लाइट को एक दूसरे के साथ सीरीज कर देंगे। इसके बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ DMX 512 से इसे ऑन कर। दोस्तों यहाँ पर फाइनली कोडिंग और वायरिंग हो चुका है, मैं आप लोग को शुरू से एक बार कोडिंग दिखा देता हूँ। ये देखिए जो फर्स्ट नंबर वाला पार लाइट है इस पर दिया हुआ है D001 वाला कोड, यहाँ पर ये देखिए सेकेंड पे D017, तीसरे पर देखिए D033, D049, D065, आठवें पे D081, सातवें पे D097, उसके बाद मैं आठवें पे दिखाता हूँ दोस्तों D113, D129, दसवें पे D145, D161, और ये लास्ट रहा 12वें नंबर पे D177। तो दोस्तों यहाँ पर एक दूसरे पार लाइट के बीच 16 का गैप होता है, जैसे कि इसमें D001 है तो वहाँ पे 16 ऐड कीजिए D017 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 16 ऐड कीजिएगा D033 हो जाएगा। इधर 16 ऐड करते हुए जाना है, आपको कोडिंग बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। और अगर आप अपने पार लाइट पर DMX चलाना चाहते हैं तो आप इस कोडिंग को नोट करके रख लीजिए, या फिर वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिए और कोडिंग को निकाल लीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को दिखाता हूँ इसका वायरिंग। ये देखिए यहाँ पे जो DMX से आउटपुट निकला है ये सीधे फर्स्ट वाले पे इनपुट पे लगा है, फिर इसके आउटपुट होकर के ये देखिए सेकंड वाला का इनपुट पे लगा है, फिर सेकंड का आउटपुट होकर तीसरा वाला का इनपुट, फिर इधर यहाँ से आउटपुट होकर चौथा का इनपुट, फिर चौथा का आउटपुट से पाँचवा का इनपुट। तो दोस्तों यहाँ पर एक दूसरे से इनपुट होते हुए सारे पार लाइट पे XLR केबल सीरीज हो चुका है। और अब यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, मैं देखिए अभी फेडर को डाउन कर दिए, सारा पार लाइट अभी ऑफ हो चुका है, ये देखिए कोई भी नहीं चल रहा है। यहाँ पर देखिए मैं 12 स्कैनर को ऑन करके रखा हूँ, मैं बारी बारी से आप लोग को चेक करवा देता हूँ। ये देखिए अभी एक नंबर ऑन है और एक नंबर पे कलर डालते हैं, तो ये देखिए एक नंबर वाला पार लाइट पर केवल रेड कलर आ चुका है और बाकी सारा ऑफ है। और यहाँ पर आप देखिए दूसरे नंबर को चालू करते हैं और इस पर कलर डाल के देखते हैं, ये देखिए सामने से दो पार लाइट अभी जल रहे हैं जो कि एक नंबर और दो नंबर है। दोस्तों इसी तरह से आपको कंटिन्यू एक के बाद सारे एक पार लाइट को चेक कर लेना है। यहाँ पर मैं टोटल सारे पार लाइट को एक बार ऑन करके छोड़ रहा हूँ, और अब ये देखिए यहाँ पे लाइट डालते ही सारे पार लाइट पे कलर आ चुकी है। ये देखिए यहाँ पर मैं रेड कलर को डाउन करके और ग्रीन कलर को डाल के देखता हूँ, ये देखिए ग्रीन कलर सारे पार लाइट में ग्रीन कलर आ चुकी है। अब यहाँ पर इसमें ब्लू कलर डाल के देखते हैं, ये देखिए ब्लू कलर भी आ गया है। दोस्तों यहाँ पर वाइट कलर भी बना के देख लेते हैं, प्रॉपरली सारा कलर यहाँ पे काम कर रहा है। और अब यहाँ पे फ्लेशर भी डाल के देख लेते हैं, ये देखिए 5 नंबर से फ्लेशर, ये देखिए फ्लेशर भी जो कि प्रॉपरली काम कर रहा है। तो फाइनली अब दोस्तों यहाँ पे सारे पार लाइट को फ्रंट की ओर करके और इसमें आप प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे। तो अब दोस्तों फाइनली यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा DMX 512 और यहाँ पर ये देखिए प्रोग्राम वाला बटन, इसे लॉन्ग प्रेस करके रखना है। ये देखिए प्रोग्राम के बगल वाला LED ब्लिंक कर रहा है, यानी ये प्रोग्रामिंग करने के लिए रेडी है। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्रामिंग हमारी रहने वाली है, देखिए दो LED एक साइड से जलते हुए जाएगी और फिर उसमें दूसरे कलर के जलते हुए आएगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक नंबर और 12 नंबर को दबाएंगे, ये देखिए हमारे दो स्कैनर अभी ऑन है और इस पर रेड कलर देंगे, ये देखिए ये साइड से रेड कलर ऑन हो चुका है। और अब इसे देंगे मीडी एड,
स्कैन नंबर वन, यहाँ पे ये कॉपी हो चुका है, इसे डाउन करेंगे। दो और ग्यारह को चालू करेंगे, इसके बाद ये देखिए दूसरा एलईडी, इसे भी मीडियट टू कर देना है। फिर यहाँ पे तीन और दस को चालू करेंगे, ये देखिए अब इसे कर देना है मीडियट थ्री, फिर से डाउन चार नौ, ये देखिए यानी ऊपर नीचे साथ में ही जलते हुए जा रहा है। इसे कर देंगे मीडियट फोर, फिर से डाउन पाँच आठ, ये देखिए, और अब इसे कर देंगे मीडियट फाइव, फिर से इसे डाउन करेंगे, फिर यहाँ पे सिक्स और सेवन यहाँ पे चालू करेंगे, ये देखिए कोना वाला पैरेट दोनों चालू हो चुका है। इसे ऐड कर देंगे मीडियट सिक्स पे। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर इस रनिंग को तीन कलर में ऐड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर रेड कलर ऐड हो चुका है, अब यहाँ पे कोई दूसरा कलर ऐड करना है तो उसके लिए बैंक का अप वाला बटन को एक बार प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर गौर से देखिए दोस्तों, बैंक के ऊपर में दूसरा नंबर चालू हो चुका है। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे दूसरा कलर को हम ऐड करेंगे, जैसे एक और बारह को चालू किए और अब यहाँ पर ग्रीन कलर देंगे। ये देखिए सेम प्रोसेस है दोस्तों, जैसे कि रेड कलर को एक से छः तक ऐड किए थे बैंक नंबर एक में, अब यहाँ पर बैंक नंबर दो में इसे डबल तक ऐड करेंगे। अब पर आप ग्रीन कलर में फिर से एक से छः तक स्कैन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसे करेंगे मीडियट सीन नंबर वन डाउन करना है, दो और ग्यारह, फिर से करेंगे मीडियट स्कैन नंबर टू, फिर से डाउन तीन दस, मीडियट स्कैन नंबर थ्री, फिर से डाउन चार नौ, कलर मीडियट स्कैन नंबर फोर, सेव हो गया, फिर से डाउन करेंगे पाँच आठ, फिर से आ गया मीडियट फाइव, फिर अब यहाँ पे लास्ट सिक्स और सेवन देंगे ग्रीन कलर और इसे ऐड कर देंगे मीडियट सिक्स पे। तो यहाँ पर हमारा दो कलर ऐड हो चुका है, तीसरे कलर को ऐड करेंगे तो उसके लिए फिर से हमें बैंक को चेंज करना होगा। यहाँ पर बैंक का आप वाला बटन के बाद प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पर बैंक के ऊपर में तीन आ चुका है। तो अब दोस्तों यहाँ पर एक और बारह को चालू करेंगे, यहाँ पर देंगे ब्लू कलर, यहाँ पर देखिए हमारा स्कैन नंबर एक और बारह बटन चालू है, यहाँ पर ब्लू कलर देंगे। ये देखिए साइड वाले पे ब्लू कलर आ चुका है और अब यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे मीडियट स्कैन नंबर वन पे, फिर से डाउन करेंगे, दो और ग्यारह को ऑन करेंगे, फिर से वही सेम प्रोसेस मीडियट स्कैन नंबर टू, फिर से डाउन तीन दस, देंगे मीडियट स्कैन नंबर थ्री, फिर से डाउन करेंगे चार और नौ ब्लू कलर, फिर यहाँ पर कर देंगे मीडियट फोर, फिर से डाउन करेंगे पाँच आठ कलर, फिर से यहाँ पर कर देंगे मीडियट फाइव, फिर से डाउन करना है छः और सात, फिर से ब्लू कलर, ये देखिए लास्ट वाला, उसके बाद इसे करना है मीडियट सिक्स। यहाँ पर हमारा तीनों प्रोग्राम ऐड हो चुका है तीन कलर का। अब यहाँ पर इसे स्लाइडर को डाउन कर देंगे, उसके बाद प्रोग्राम को करेंगे लॉन्ग प्रेस और ब्लैक आउट। तो यहाँ पर हमारा एक प्रोग्राम अभी सेट हो चुका है तीन कलर में। तो दोस्तों अभी तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम यही रहने वाला है। अब दोस्तों फाइनली हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को चेस पे ऐड कर देंगे और ये हमारा रनिंग रेडी हो जाएगा। तो चेस में प्रोग्राम को ऐड करने के लिए देखिए फिर से प्रोग्राम वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करना होता है। ये देखिए प्रोग्राम वाला एलईडी ब्लिंक कर रहा है। अब यहाँ पर चेस नंबर वन को एक बार प्रेस कर देंगे और अब यहाँ पर देखिए दोस्तों स्कैनर का काम खत्म हो चुका है, फेडर का भी काम खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर केवल स्कैन का काम करना है और मीडियट को दबाना है। अब यहाँ पर देखिए जो कि हमारा बैंक नंबर एक में था, एक नंबर स्कैन पे, ये रेड कलर, इसे एक बार करना है मीडियट, फिर से दूसरे नंबर को प्रेस करना है, फिर से मीडियट, तीसरे नंबर को फिर से मीडियट, चार नंबर मीडियट, पाँच नंबर मीडियट और ये छः नंबर मीडियट। दोस्तों वापस रिटर्न भी इसी कलर को ले आते हैं, छः नंबर मीडियट, पाँच नंबर मीडियट, चार नंबर मीडियट, तीन नंबर मीडियट, दो नंबर मीडियट,
एक नंबर मीडियड। दोस्तों ये एक कलर जाके वापस आया, अब यहाँ पे दूसरा कलर को फिर से भेजेंगे, उसके लिए फिर से यहाँ पर बैंक को चेंज करेंगे। ये देखिए बैंक में दो नंबर आ चुका है। अब फिर से यहाँ पर एक नंबर को प्रेस करेंगे, मीडियड, दो नंबर मीडियड, तीन नंबर मीडियड, चार नंबर मीडियड, पाँच नंबर मीडियड, छः नंबर मीडियड, वापस से पाँच नंबर मीडियड, चार नंबर मीडियड, तीन नंबर मीडियड, दो नंबर मीडियड, एक नंबर मीडियड। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से तीसरे कलर को ऑन करेंगे, ब्लू कलर को, इसे कर देंगे एक बार एक नंबर मीडियड, दो नंबर मीडियड, तीन नंबर मीडियड, चार नंबर मीडियड, पाँच नंबर मीडियड, छः नंबर मीडियड। वापस उसे रिटर्न भी लाना है तो छः नंबर मीडियड, पाँच नंबर मीडियड, चार नंबर मीडियड, तीन नंबर मीडियड, दो नंबर मीडियड, एक नंबर मीडियड। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर हम तीन कलर का रनिंग ऐड कर चुके हैं और अब इसे सेव कर देंगे। प्रोग्राम को करेंगे लॉन्ग प्रेस, ब्लैकआउट। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा चेस नंबर वन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर एक बार ऑटो वाले बटन को प्रेस करेंगे, ये देखिए ये होता है ऑटो वाला बटन, एक बार दबाएंगे, ये देखिए ऑटो वाला आ चुका है यहाँ पे इंडिकेटर। अब यहाँ पे स्पीड वाले फीडर को अप करके छोड़ देना है, ये देखिए कंटिन्यू, एक के बाद एक कलर हमारा रनिंग हो रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों इसका पार्ट टू का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ पे दूसरी डिजाइनिंग का प्रोग्रामिंग अपलोड कर दिया गया है, तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं फिर मिलता हूँ इसका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।